हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब खबर मध्य प्रदेश से, जहां रतलाम के एक स्कूल के छात्रों ने 26 जनवरी को स्कूल में तिरंगा न फहराने की चेतावनी दी है। इसके बाद रतलाम प्रशासन सख्ते में आ गया है। सर ही नहीं आ रहे हमारे, तो हम नहीं मनाएंगे 26 जनवरी। सर नहीं आएंगे तो नहीं ले आएंगे तिरंगा। सर नहीं तो 26 जनवरी भी नहीं। ये रतलाम जिले के मालवासा हाई स्कूल के बच्चे हैं, जो 26 जनवरी को अपने स्कूल में तिरंगा फहराने से मना कर रहे हैं। इन छात्रों ने प्रिंसिपल का निलंबन वापस लेने के लिए हड़ताल शुरू कर दी है। हम प्रिंसिपल सर आर्यन केरात के लिए बैठे हैं यहाँ पे, उनके लिए हम धरना दे रहे हैं। अगर सर नहीं आएंगे तो हम भूख हड़ताल पे भी बैठे। पूरा मामला सावरकर से जुड़ा है। करीब 10 दिन पहले मालवासा हाई स्कूल के प्रिंसिपल ने स्कूल में वीर सावरकर की फोटो वाली कॉपी बांटी थी। इसके बाद प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया गया था। इसी निलंबन को वापस लेने के लिए छात्रों ने चेतावनी दी है। 26 जनवरी को तिरंगा न फहराने की चेतावनी से जिला प्रशासन की परेशानी बढ़ गई है। आनंद फानंद में अधिकारी बच्चों को समझाने पहुंचे, लेकिन स्कूल के छात्र अपनी मांग पर अड़े रहे। शिक्षक और बच्चों के अगर आपसी संबंध के संबंध में अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि बच्चों को भी बैठ जाना चाहिए। और उनको ऐसा लगता है तो उनका, इनकी मैंने जो सुनी है अभी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बताऊंगा। और मुझे ऐसा कोई कारण नहीं दिखता कि बच्चों के यहाँ बैठना उचित है। ठीक है, बच्चों को स्कूल में बैठना चाहिए। मामला बढ़ता देख इस पर राजनीति भी शुरू हो गई। रतलाम ग्रामीण से बीजेपी विधायक दिलीप मकवाना भी बच्चों के समर्थन में आ गए और बच्चों के साथ हड़ताल पर बैठ गए। मानसिक रूप से पीड़ित है, इनको डराया जा रहा है और इनके पेरेंट्स को भी डराया जा रहा है।